मेरे दोस्त, अभी की दुनिया में तो हर एक इंसान चाहता है कि मैं भी सक्सेसफुल बनूं, लेकिन हर एक इंसान, इतने भीड़ों इंसानों में से कुछ ही इंसान सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो क्या है कारण? कुछ इंसान सक्सेसफुल और कुछ इंसान अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको मैं 10 आदतें बताता हूँ जो आपको भी सक्सेसफुल होने को मजबूर कर देगा। आदत नंबर पहला, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जल्दी उठो। मेरे दोस्त, अगर आपके दिन की शुरुआत अगर जल्दी उठने से होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, जो कि आपके पूरे दिन को वक्त को एकदम हमें से यूटिलाइज करने रास्ते पर लेके जाएगा, एकदम पूरा आप फुल इफेक्टिव मोड से इफेक्टिव वे में उस टाइम को, उस वक्त को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा आदत है रिस्पेक्ट योर टाइम, अपने टाइम को ऐसे ही स्पेंड मत करो, अपने टाइम को वैल्यू दो, अपने टाइम को कदर करो और उसे एक रिस्पेक्टिव फील्ड में जहाँ जरूरत है वहाँ ही उसका यूटिलाइज करो। तीसरा आदत है दिमाग की नहीं दिल की सुनो। ये जो दिमाग है ना मेरे दोस्त, ये हमेशा ऐसा घटिया 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 सुझाव देता है ना, इसका बात ही नहीं करो। अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या चाहता है तू, क्या करना है तुझे, और वो करो। ये छोड़ो दिमाग का सुनना, कब तक दिमाग की सुनोगे, और दिल का सुनना चालू करो। चौथा आदत है टेक डिसीजन एंड डू इट नाउ नॉट देन। कोई भी डिसीजन है वो आप अभी ले लो और अभी के अभी कर दिखा दो। अगर सोचोगे अगर वो डिसीजन में लेकर वो बाद में करूंगा तो समझ जाना कि आपकी सफलता छिटक रही है और आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसीलिए सफलता पाने के लिए डिसीजन को निरंतर रूप में जल्दी से जल्दी, सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सब हम लोगों को सिर्फ गुमराह करने की चीजें है, ये कुछ नहीं है, वो सब पैसा कमाने के लिए है, ढोंग है वो सब। छोड़ो सोशल मीडिया का चक्कर, अरे पूरे दिन पूरा अभी जीवन भर सोशल मीडिया चलाना है, छोड़ो सोशल मीडिया का चक्कर और लग जाओ अपने गोल पर। तो ऐसे ही छठा सक्सेसफुल आदत है रिमेम्बर योर फादर एंड मदर व्हाइल डूइंग एनीथिंग, याद करो अपनी माँ और बाप का जो आपसे सक्सेस का आशा लगाकर बैठी हुई है, और उनकी मेहनतों का और उनकी कर्मों का जो आपके लिए, पैसा कमाने के लिए, आपको सामानों को पूरा करने के लिए जो लोग करते हैं, और हमेशा याद रखो और उसे अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपने पावर बनाकर दिखाओ और सक्सेसफुल हासिल कर दिखाओ। तो ऐसे ही सातवां सक्सेसफुल हैबिट है दूसरों के गलतियों से सीखो। मेरे दोस्त, अगर तुम गलती करते जाओगे उससे सीखते जाओगे तो उतना वक्त नहीं रहेगा तुम्हारे पास, इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखो और खुद गलती करना बंद कर दो। दूसरों की गलतियों को अपना पावर बनाओ और उसी गलतियों से सीखते सीखते जाओ और छोटे ही समय में बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल इंसान बनो। तो ऐसे ही आठवां सक्सेसफुल हैबिट है दो भाग सुनो एक भाग बोलो। मेरे दोस्त, आपको दो कान है और एक मुंह है, तो इसीलिए दो भाग सुने और एक भाग बोले। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और अपने सक्सेस की तरफ आप बहुत ज़्यादा। तो नौवां सक्सेसफुल हैबिट है लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर। अपने पास्ट, आपका पास्ट कैसा गया, आप कैसे करते थे, उससे सीखिए। आपका कैसा बीता, आपका प्लानिंग कैसा था, नहीं था, आप कैसे बिताए, उससे आप सीखिए। और अपने प्रेजेंट जनरेशन में क्या कर रहे हो उससे करो, और अपने फ्यूचर के लिए भी वही पास्ट के अनुसार से प्लानिंग करो कि हाँ, मैंने पास्ट में ये सब चीज़ें किया है तो ये सब चीज़ें से एक्सट्रीम लेवल, थोड़ा आगे, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा बेहतरीन तरीका से मुझे फ्यूचर जनरेशन में करना है, और कर दिखाओ। तो मेरे दोस्त, हैबिट नंबर 10 है कीप ऑलवेज लर्निंग, हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा सीखते रहो, क्योंकि ये जिंदगी पढ़ना और सीखना कभी नहीं छोड़ती है। इसीलिए हमेशा सीखते रहो, पढ़ते रहो और अपनी जिंदगी में तारे और चांद हमेशा लगाते रहो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, ड्यूटी टू नेशन, ड्यूटी टू गॉड एंड ड्यूटी टू सेल्फ। जय हिंद।